कुछ पता चला वहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ एक लाल साड़ी मिली है जो कि मोहिनी वहाँ छोड़कर आई थी, वही लेकर आया हूँ बस। लाल साड़ी? मोहिनी का प्लान कामयाब हो रहा है यहाँ पर। आर्यमन को तो उसने बेवकूफ बना के वीडियोस वगैरह फुटेजेस वगैरह सारे बनाए लिए थे कि किस तरीके से उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आर्यमन ने उसके संग कुछ गलत किया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ ये मोहिनी की चाल थी। वहीं फिर हम देख रहे हैं कि भाई कृष्णा के सामने ना आर्यमन बहुत परेशान हो रहा है। और ये लाल साड़ी कहाँ चली गई? ये तो रखी थी। मोहिनी वो लाल साड़ी दिखाओ, दिखाओ। आर्यमन कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन कृष्णा बहुत चिंता कर रही है और उसको कसम वगैरह देती है और बोलती है कि भाई कुछ तो है, आप बताओ तो क्या हुआ है, हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊँ। यहाँ पर आर्यमन बोलता है कि मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन हाँ वो जो उस दिन की रात थी ना वो सबसे काली रात थी। तो अब यहाँ पर ना कृष्णा को ये चीज तो समझ में आ गई कि कुछ तो हुआ है उस दिन रात में। अब यहाँ पर कृष्णा को ये तो समझ में आ गया कि उस दिन रात को कुछ हुआ है, और उसी का पता लगाने के लिए वो केतन को बुलाती है और केतन को बोलती है कि भाई एक काम करो, तुम उस होटल में जो रुके हुए थे ना आर्यमन, उसकी फुटेजेस वगैरह लेकर आओ। मैं देखना चाहूंगी इस वीडियो में कि भाई क्या था जिसकी वजह से आर्यमन को ना रात में नींद आ रही है ना दिन में नींद आ रही है, और उनका पूरा चेहरा उतरा हुआ है। अब ये सारी चीजें ना मोहिनी सुन लेती है। यहाँ पर मोहिनी को लग रहा है डर और मोहिनी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। वहीं वो सिद्धार्थ के पास पहुंचती है, लेकिन सिद्धार्थ तो भाई ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, उसकी जो माँ है ना उसकी गर्लफ्रेंड के संग उसकी शादी कर रही है। अब मोहिनी ये देखते तो और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मोहिनी भाई करना चाहती है सिद्धार्थ से शादी। तो ये तो आने वाले एपिसोड में ही हम देखेंगे कि सिद्धार्थ और मोहिनी की शादी हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर केतन जो है ना साड़ी लेकर आ गया लाल कलर की, जो कृष्णा की थी, और उसको पहन के जाना था ना आर्यमन से मिलने के लिए, और उसको मिल नहीं रही थी, उस दिन गायब हो गई थी घर से। और वो मिलती है मोहिनी के कमरे में। अब वो आता और बोलता है मोहिनी से कि ये तुम्हारी साड़ी है, तो मोहिनी यहाँ पर बोलती नहीं ये मेरी साड़ी नहीं है। लेकिन कृष्णा को एकदम शक होने लगता है कि ये साड़ी तो उस दिन गायब हो गई थी, और ये साड़ी अगर गायब हो गई थी तो हो सकता है ये मोहिनी लेकर गई हो, और ये कुछ ऐसा कनेक्शन हो कि जिस वजह से ना आर्यमन थोड़ा परेशान है, गुस्सा है। अब वो यहाँ पर ना सोच रही है और मोहिनी से उसको कनेक्ट कर रही है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर कृष्णा के सामने जब मोहिनी का सच आएगा तो क्या होगा, क्या वो आर्यमन को छोड़ देगी हमेशा के लिए।